तो नैमिषाण पुनीत नहीं है, अति पुनीत, तो तीर्थ वर, सभी तीर्थों का वर। नाम क्या है? नैमिष। विख्याता, वो लुप्त नहीं है, विख्यात। विख्यात क्यों है? तो एक प्रकार से जो नैमिषारण है ये यूनिवर्सिटी है 88,000 ऋषियों की। सारे नैमिष तीर्थों का जो ननिहाल है, नाना नानी का घर, वो सारे तीर्थों का नाना है नैमिषारण। नैमिषारण का जो महत्व है वो सारे तीर्थों से अलग है। नैमिषारण का महत्व गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम अर्ध योजने रोषमेकम कुरुक्षेत्र नैमिषम प्रदेश। शास्त्रों में ऐसा वर्णन रहता है कि गंगा के किनारे आप एक योजन पैदल चलिए। एक योजन का मतलब है 18 किलोमीटर। एक अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। वाराणस्याम अर्ध योजने, जब बनारस में आप 9 किलोमीटर चलोगे तो एक अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। क्रोशमेकम तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में जहाँ भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस भूमि में आप 4.5 किलोमीटर पैदल चलोगे तो वही फल की प्राप्ति होगी। पर नैमिषम तो तबे तबे, नैमिषारण तीर्थ में जितने पद आप ऊपर नीचे रखोगे उतने यज्ञ के फल की प्राप्ति की जा सकती है, जब आप शास्त्रानुकूल शास्त्र सम्मत चले तब। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्ध जाता। संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी तीर्थ हैं वो सब तीर्थ बराती है। जैसे बारात पहुंच जाए और दूल्हा न जाए तो बारातियों का कोई स्वागत सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि बारातियों का सम्मान दूल्हा पर डिपेंड है। तो ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी तीर्थ हैं उन सब तीर्थों का वर है। वर कहते श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, सबसे बढ़िया सुंदर, तो उस तीर्थ का नाम है नैमिष। नैमिष का मतलब है जहाँ नेम कहते हैं बीच वाले साइकिल के धुरा को। तो पृथ्वी का ये बीच का जो केंद्र है, जैसे हमारे शरीर का बीच का केंद्र नाभि है, ऐसे पृथ्वी का ये बीच का केंद्र नेम है। और पीछे लगा है अरण्य, अरण्य कहते हैं जंगल को। हमारे वहाँ दंडकारण्य, बद्रिकारण्य, नैमिषारण्य, जहाँ अरण्य लगा है वहाँ जंगल है। तो तीर्थ वर, सभी तीर्थों का वर। नाम क्या है? नैमिष। विख्याता, वो लुप्त नहीं है, विख्यात। विख्यात क्यों है? क्योंकि सत्यनारायण की कथा में 1.25 रुपया में वही कथा सत्यनारायण भगवान की लकड़हारा ने सुनी, वही तुंगध्वज राजा ने सुनी। तो सबसे पहला श्लोक आता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादय प्रपक्षा मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम। हेलो, इसलिए नैमिषारण विख्यात है, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो सब पुनीत है, पर नैमिषारण पुनीत नहीं है, अति पुनीत है। उसमें दो शब्द अति लगे हैं। संसार में कहीं भी आप अति का प्रयोग बहुत सोच समझ के करोगे तो नैमिषारण पुनीत नहीं है, अति पुनीत। कारण क्या है? अन्य कहीं तीर्थ में भजन किया जाए, साधन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, उसका फल मिले या न मिले ये पक्की गारंटी नहीं है, पर नैमिषारण में कन्फर्म है। साधक को सिद्धि अगर देने वाला है कोई विश्व में तीर्थ तो नैमिषारण है। तो गोस्वामी जी प्रमाण करते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग के दो तीर्थ हैं, भगवान नारायण का तीर्थ है नैमिषारण, तो नारायण की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, तो ब्रह्मा उनके पुत्र थे। तो ब्रह्मा ने कहा कि पिताजी आपका तो तीर्थ हो गया, मेरा भी तो कहीं यश गुणगान होना चाहिए, हमारा भी तो तीर्थ होना चाहिए। तो जैसे
भरत जी पादुका लाए थे भगवान की, ऐसे उनकी खूंटी दे दिया और कहा ये खूंटी ले जाओ पुष्कर तीर्थ में। तो सतयुग के दो तीर्थ है, नैमिषारण्य और पुष्कर, एक बाप का एक बेटा का। बाकी सारे तीर्थों की जो जननी है, जो मूल जड़ है, वो नैमिषारण्य है, क्योंकि महाराज मनु और सतरूपा ये जब इनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई तो नैमिषारण्य चल दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बरबस राज सुत ही नप दीना नारी समेत गमन बन दीना। बरबस माने जबरदस्ती। आज संसार में पिता और पुत्र में झगड़ा इस बात का है क्योंकि पिता अधिकार देना नहीं चाहता और बेटा आयु से जबरदस्ती लेना चाहता पिता से आयु से पहले। पर महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट हैं, जबरदस्ती अपने पुत्र को सब कुछ देना चाहते हैं, पर पुत्र कहता मुझे नहीं चाहिए, मगर फिर भी सब राजपाट सौंप करके और पत पत्नी दोनों चल दिए। तो किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहा नैमिषारण्य। कहा नैमिषारण्य क्यों जा रहे हो, कहा तप करने। कहा तप करने का पीछे उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति है, धन की प्राप्ति है, यश की प्राप्ति है। तो कहा परमात्मा ने ये सब पहले से ही दिया था, पर जिस कारण से परमात्मा ने मुझे शरीर दिया मनुष्य का, उसके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हम नैमिषारण्य में जा रहे हैं। तो तीर्थ में जाकर के पूर्ति क्या होगी, तो गोस्वामी जी फिर रामायण में लिखते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो कहा कि नैमिषारण्य क्यों जा रहे हो, कहा बसही ताहा मुनि सिद्धि समाजा ताही हरसी चले मनु राजा। माने वो ऐसा तीर्थ है जहाँ 88,000 ऋषि, ऋषि माने जो रिसर्च करे और मुनि माने जो मनन करे। तो यहाँ 88,000 ऋषि ही यहाँ रिसर्च करते थे वेदों पर, उपनिषदों पर, शास्त्रों पर, संसार के भौतिक कल्याण के लिए यहाँ रिसर्च हुआ और मुनियों ने मनन किया। तो 88,000 ऋषियों की हम संतान हैं, क्योंकि 88,000 ऋषियों के ही शरीर से गोत्र उत्पन्न हुए, भरद्वाज की संतान हुए, कश्यप, अदित, सांडिल। तो एक प्रकार से जो नैमिषारण्य है ये यूनिवर्सिटी है 88,000 ऋषियों की, सब इसी में शिक्षा ग्रहण किए, बाद में अनेक रियासत चले गए। तो नैमिषारण्य में तीन चीजों का प्रोजेक्ट है। किस चीज का, अन्य कहीं जाओ, आगरा का पेठा मशहूर है, बनारस का घेंघरा मशहूर है, रामपुर की चाकू मशहूर है, पर नैमिषारण्य में तीन चीजों का प्रोजेक्ट है। यहाँ शास्त्र पैदा होते हैं, यहाँ संत पैदा होते हैं और यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए नैमिषारण्य का महत्व ज्यादा है। ये 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ महर्षि दधीच ने जो अपनी हड्डियों का वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए देवताओं के संकल्प की पूर्ति के लिए हड्डियों का दान किया, तो उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है। कहा क्या शर्त है, कहा 33 करोड़ देवताओं का मुझे दर्शन लाभ करा दिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उसका हमें स्नान करा दिया जाए। तो समस्त देवताओं ने आकस्मिक बैठक करके कहा कि महाराज दधीच को सब जगह ले जाया नहीं सकता क्योंकि वृत्तासुर का आतंक बहुत है। तो इसलिए आकस्मिक एक मीटिंग करके भगवान नारायण ने कहा कि जितने देवता हो वो सब नैमिषारण्य में आइए और अपने अपने वहाँ से जितने तीर्थ हैं उनको आप लेकर के आइए। परंतु सब तीर्थ यहाँ आ गए, प्रयागराज नहीं आए। प्रयागराज ने कहा कि हम राजा हैं, राजा का कोई सम्मान होता है, राजा ऐसे थोड़ा चलता है। जब आकस्मिक कोई घटना घटती है तो उसमें मान सम्मान से परे व्यक्त हो जाना चाहिए। तो फिर जब वो प्रयागराज नहीं आए तो यहाँ सब देवताओं ने पंचप्रयाग नाम का एक तीर्थ बनाया जो ललिता देवी मंदिर के पास में स्थिति है। इसलिए 33 करोड़ यहाँ देवताओं का वास है। समस्त पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं उनका भी यहाँ वास हुआ और महर्षि दधीच ने जब देवताओं की परिक्रमा भी किया और सुंदर से तीर्थों का स्नान भी किया और फिर वो ध्यानास्थ होकर के बैठ गए और उसका लेपन किया गया शरीर में दही और नमक का।
गऊओं के द्वारा शरीर को छटा दिया गया, जो हड्डियां बची उससे फिर वृत्तासुर राक्षस का वध हुआ। भगवान जब लंका पर विजय करके रावण को मारा तो भगवान जब लौट करके अयोध्या आए तो गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करने के लिए गए तो वशिष्ठ ने कहा कि राम तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है और दोष की निवृत्ति विश्व में एक ही स्थान पर हो सकती है, वो तीर्थ नैमिषारण्य, वहां चले जाओ। तो कहा महाराज होगी कैसे? तो कहा कि 84 कोसी परिक्रमा में आप परिक्रमा की और सब ऋषियों की भूमि है, पता नहीं कौन ऋषि से कौन पॉइंट दब जाए वहां कल्याण हो जाए। तो ये भगवान राम के द्वारा परंपरा डाली गई है 84 कोसी परिक्रमा की। 84 कोसी का मतलब है कि 84 को अगर आप 3 से गुणा कर दीजिए तो 252 किलोमीटर हो गया, और 252 को आप जोड़ दीजिए तो 9 अंक होता है, और 9 अंक होता है पूर्णांक। तो परमात्मा पूर्ण है, तो हम भी संसार में जो अपूर्ण है, जो अधूर है, अगर पूर्ण होना चाहते हो, परमात्मा से एक ही कार्य करना चाहते हो, तो 84 लाख योनियों से मुक्त होकर के जीव भगवान की शरण में जाने का ये प्रयत्न है। इसलिए 84 लाख योनि और 84 कोसी ये परिक्रमा है। तो भगवान राम के द्वारा ये परिक्रमा डाली गई, और सब परिक्रमा जब किया तो हत्यारण तीर्थ में जब स्नान किया तो भगवान राम के हाथ की गदेली के जो बाल थे वो वहीं पर क्षय हो गए, नष्ट हो गए, और भगवान का शरीर हल्का हो गया। और तब भगवान गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। तो महारदीक ने एक बात कही थी कि प्रभु ये जब 84 कोस का परिक्रमा हो तो 5 दिन तक आप हमारी भी जन्मस्थली में रहिएगा, तो मेरा भी यश कीर्ति जो है हो जाएगा। तो ये 10 पड़ाव हैं, और 10 पड़ाव के पास जो 5 दिन पड़ाव पड़ता है वो महारदीज की पुण्य स्मृति में हम लोग मिश्रित में रहते हैं। और मिश्रित का मतलब है कि सब मिश्रित, यहाँ कोई जाति भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, न कोई साधु है न कोई तपस्वी है, हम सब परिवार की तरीके से रहते हैं। इसलिए सारे तीर्थों का जल भी वहाँ तीर्थ कुंड है, दतीज कुंड उसका नाम है, क्योंकि मिश्रित, तो मिश्रित माने जहाँ मिश्रण किया गया है, ये इसका महत्व है। आपने बताया कि नैमिषारण्य की यात्रा करता है कब भगवान है कि नैमिषारण्य कब लगे, तो उसका भी कोई विधि है, उसका भी विधान है? जी हाँ, वो क्या है उसका विधान? ये है कि अगर पहली बात तो निरंतर भाव हो, जैसे परिक्रमा है, परिक्रमा में भी 3 प्रकार के लोग हैं, कुछ तो मेला देखने वाले आए हैं और कुछ केवल खाने आए हैं और कुछ मनोरंजन की दृष्टि से आए हैं। अगर हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है तो यहाँ ये मेला है, इसमें इल्मी महात्मा भी है, चिल्मी भी महात्मा है, तो हमको चिल्मी वाले के पास जाओगे तो धुआं मिलेगा, और इल्मी वाले के पास जाओगे तो ज्ञान के नाव पर बैठकर के आपको मोक्ष भी मिल सकता है। तो यहाँ ये है कि स्वल्पा आहार किया जाए, स्वल्प आहार, भोजन हमारे बस में रहे, हम भोजन के बस में ना रहे, एक बात, कम बोला जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए और बिना पादुका के चला जाए, और हर समय भगवत स्मरण किया जाए, और महाराज मनु के चरणों में प्रणाम करके कहा जाए कि महाराज मनु आपने वो तपस्या किया नैमिषारण्य में, 23,000 वर्ष आपके पास भगवान एक बार नहीं आए, विधि हरिहर तप देख ये पारा, वरदान देने का विभाग ब्रह्मा जी को है, पर ब्रह्मा जी कई बार आकर के लेट गए, लौट गए और पिताजी से कहा पिताजी वो आंखें नहीं खोल रहे, भगवान शिव को भेजा गया, सप्त ऋषियों को भेजा गया, देवता है, कहा प्रभु आप ही चलो। जब भगवान स्वयं आए तो भगवान ने किया क्या कि मनु आंखें नहीं खोली, जब मनु आंखें नहीं खोली तो भगवान सूक्ष्म शरीर से दर्शन दिया, मनु के अंदर प्रवेश कर गए। तो मनु ने कहा कि हमने दरवाजे खोले नहीं और दरवाजा तोड़ करके कोई आ गया, उन्हीं की हमें तलाश थी, तो इनको हम जाने भी नहीं देंगे। भगवान कुछ देर रहने के बाद भी जब बाहर आए तो महाराज मनु ने आँख खोली और भगवान मनु से कहते हैं कुछ मांग लो।
मनु ने कहा प्रभु मानते तो वो है जिनको कुछ आप देते नहीं, हमको तो आपने चक्रवर्ती सम्राट बनाया है, तो हम अभाव से थोड़ो भजन कर रहे हैं, न दबाव से भजन कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का भजन तीन प्रकार का होता है, एक अभाव से भजन, एक दबाव से भजन और एक स्वभाव से भजन। भगवान कहते हैं कि हम स्वभाव से भजन जो करता है हम उसके हैं, वो हमारा है। तो मनु ने कहा कि महाराज हमको आपने सब कुछ दिया, तो भगवान ने कहा हमारी कुछ देने की इच्छा हो रही, आप ले लीजिए। तो भगवान ने विचार किया, भगवान का ही, मनु ने भगवान का ही विचार किया और भगवान से कहते हैं कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो आप जैसा बेटा ही हो जाए हमारे। अब भगवान घबराए कि हमारे जैसा बेटा कैसे हो सकता है, हम तो हम ही हैं। भगवान से मनु ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु तुम सन कौन दुरा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। अब भगवान पीछे गए, कहा महाराज हमारे जैसा बेटा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान मनु से चार कदम आगे बढ़ गए, जहाँ शत्रुपा खड़ी है वो तो साक्षात सत्य का स्वरूप है। शत्रुपा के पास गए और भगवान ने कहा शत्रुपा आप मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि जितनी तपस्या तुम्हारे पति ने किया है उतना तुमने किया। शत्रुपा ने कहा प्रभु हम तो दुनिया की सबसे पहली भाग्यशाली स्त्री है, मांगा किसी और ने, मांगने के बाद भी वो पाएगा नहीं, और हमने मांगा भी नहीं, बिना मांगे आपने दे दिया। भगवान ने कहा हमने क्या दे दिया, कहा हमारे पति ने ये कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो पुत्र जब होगा तो इनके तो होएगा नहीं, 9 महीने आप हमारे घर में रहोगे। तो जब हमारे घर में रहोगे तो बेटा तो आप हमारे हो गए, इसलिए प्रभु हमें वही चाहिए। भगवान ने कहा कि माँ अगर आपका यही भाव है तो आप प्रतीक्षा कीजिए, और हम जब रावण का वध करने के लिए आएंगे तो अयोध्या में आप मारा दशरथ होगे और आप रानी कौशल्या होगी, सरयू का किनारा होगा और हम अंशावतारों के सहित, चार भाइयों के सहित अवतार लेंगे, हमारा नाम राम होगा। तो नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान भी मिलने का माध्यम है। मनु ने नैमिषारण्य में भगवान को मांग लिया, अगर नैमिषारण्य में मनु भगवान न मांगते तो अयोध्या का कभी जन्म नहीं होता, और कैकेयी अगर वनवास में मांगती तो चित्रकूट कभी चित्रकूट न होता। तो सारे नैमिष तीर्थों का जो ननिहाल है, नाना नानी का घर, वो तो सारे तीर्थों का नाना है नैमिषारण्य। ऐसी और भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।